अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूं डार रूफ और आज हम शुरू करने जा रहे हैं जो कि जेके बैंक एडवर्टीज़ कर रहा है बैंकिंग एसोसिएट के 1500 पोस्ट और प्रोबेशनरी ऑफिसर के 300 पोस्ट ऑलमोस्ट, जो कि एडवर्टीज़ होंगे इसी महीने 20 जून के बाद। तो हम उसी के सिलेबस के हिसाब से उसका एक सेक्शन आज उठाएंगे जो कि है रीजनिंग। रीजनिंग के बाद हम जाएंगे एप्टीट्यूड पे भी। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगे तभी हम उसके मतलब जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस करेंगे, उसका सिलेबस कवर करेंगे। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं रीजनिंग, ठीक, जो हर किसी एग्ज़ाम में चाहे जेके एसएसबी हो या जेके बैंक का हो या किसी भी बैंक का एग्ज़ाम हो, एसबीआई IBPS का कोई भी एग्ज़ाम, उनमें पूछे जाते हैं इनके क्वेश्चंस रीजनिंग के, ठीक। और जो पर्टिकुलर टॉपिक है जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं ये तो आता ही आता है किसमें, JKSSB में आपका, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि मैं और भी टॉपिक्स लाऊं तो प्लीज़ कमेंट करिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करिए, जो कि हमारी चैनल का नाम है वो है कंगन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सलेंस। अगर इस वीडियो के बाद आपको कोई भी क्वेरी हो तो वो मुझे कांटेक्ट कर सकता है इस नंबर पे, जो मेरा व्हाट्सएप कांटेक्ट है, इस नंबर पे मुझे वो वहाँ पे पूछ सकता है कोई भी क्वेरी रिलेटेड दिस टॉपिक। तो चलो शुरू करते हैं हम आज डायरेक्शंस एंड डिस्टेंसेस, जो रीजनिंग में हमें पूछा जाता है, चाहे जेके बैंक का एग्ज़ाम हो या जेके एसएसबी का या और किसी एसएससी रेलवे, हर किसी में इनका क्वेश्चन होता ही होता है। 3-4 मार्क ये क्वेश्चंस आते हैं या 5 भी आते हैं इसके, ठीक। तो पहले डायरेक्शंस और डिस्टेंस के बारे में जानने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि हम अगर हम देखते हैं कि ये जो आपका वीडियो आ रहा है, आपके राइट साइड पे हमेशा आप लोगे ईस्ट, जैसे आप लेते हैं कन्वेंशंस, और लेफ्ट साइड से वेस्ट और अपर साइड से नॉर्थ, और जो बॉटम साइड होगा वो होगा साउथ, ये तो सबको पता है, ठीक। इसके अलावा हमारे पास और 4 डायरेक्शंस होती हैं जो हमें जाननी ज़रूरी है। तो वो क्या होती हैं, अगर आप यहाँ देखोगे इस लाइन को हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट, पहले आता है नॉर्थ या साउथ, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट इसको मैं बोलता हूँ साउथ ईस्ट, इस डायरेक्शन को यहाँ से, यहाँ पे मैं बोलता हूँ साउथ वेस्ट, और इसको मैं बोलता हूँ नॉर्थ वेस्ट, यह है नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ओके। ये 4 डायरेक्शंस भी आपको याद रखनी है, और ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ आपको पता ही है, ठीक। और जब आप राइट साइड टर्न करोगे तो आप जाओगे राइट साइड, आप जब आप टर्न करोगे तो क्लॉकवाइज। फॉर एग्जांपल मैं क्या बोल रहा हूँ, राइट साइड आप टर्न करोगे, फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पे इस पॉइंट पे हूँ और मैं जा रहा हूँ ईस्ट की ओर, मींस मैं ईस्ट की ओर जा रहा हूँ, ऐसे अगर मैं बोल रहा हूँ आपको मैंने टर्न किया राइट, तो आपको क्लॉकवाइज घूमना है, क्लॉक ऐसे घूमती है, ठीक, क्लॉक ऐसे घूमती है, तो आपको भी घूमना है ऐसे। अब अगर मैं बोलूँगा यहाँ से मैंने और राइट टर्न किया, राइट मीन्स क्लॉक वाइज, तो आप जाओगे ऐसे, क्योंकि क्लॉक ऐसे घूमती है, ठीक है। अगर मैं कभी बोलूँगा आपको लेफ्ट साइड, तो आप जाओगे एंटी क्लॉक वाइज, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे इसी डायरेक्शन और डिस्टेंसेस पे। असल में डायरेक्शन और डिस्टेंस पे 3 तरह के क्वेश्चंस आते हैं, 1 इज़ ऑन द बेस ऑफ डायरेक्शन, एंड नेक्स्ट इज़ ऑन द बेस ऑफ एंगल, एंड 3rd इज़ ऑन द बेस ऑफ शेडो। बट जो बैंक का कोई भी एग्ज़ाम होता है उसमें ज़्यादातर क्वेश्चंस डायरेक्शन के बेस पे पूछे जाते हैं, एंगल और शेडो के क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, 99.9% इस डायरेक्शन के आते हैं। तो हम इस लेक्चर में वही करेंगे जो कि आए हैं क्वेश्चंस किसमें, बैंक एग्जाम्स में, और जो आएंगे भी आगे, ठीक।
क्वेश्चन क्या है, वरुण ड्रो हिज कार फॉर 80 किलोमीटर्स ड्यू नॉर्थ। वरुण जो एक लड़का है वो अपनी कार को चलाता है ड्यू नॉर्थ, किसकी ओर, नॉर्थ की ओर। तो हम हमेशा इस ओरिजिन से शुरू करेंगे, ओरिजिन मींस यहाँ पे जो बीच में होगा, यहाँ से हमेशा आप शुरू करोगे। तो वरुण जाता है किस ओर, नॉर्थ की ओर। चलो मैंने माना वरुण चला गया नॉर्थ की ओर, ऐसे कितने किलोमीटर्स, 80 किलोमीटर्स, ठीक है। देन ही टर्न लेफ्ट एंड ड्रो फॉर 100 किलोमीटर्स, फिर उसने टर्न किया लेफ्ट। मैंने बोला था लेफ्ट हम लेते हैं एंटी क्लॉक वाइज, तो हम जाएंगे एंटी क्लॉक वाइज ऐसे 100 किलोमीटर्स, ओके। अगेन ही टर्न लेफ्ट एंड ड्रो येट अनदर 80 किलोमीटर, फिर से लेफ्ट, लेफ्ट मीन्स एंटी क्लॉक वाइज, तो हम 80 किलोमीटर जाएंगे यहाँ तक, 80 यहाँ से भी था तो हम पहुँचे यहाँ पे 80 किलोमीटर, ठीक। अगेन ही टर्न लेफ्ट, लेफ्ट फिर से लिया इसने, तो एंटी क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक वाइज ऐसे, एंटी क्लॉक वाइज ऐसे, और क्लॉक वाइज ऐसे। अभी ये यहाँ पे है तो हम जाएंगे, अगेन ही टर्न लेफ्ट एंड ड्रो हिज कार 120 किलोमीटर, अभी फिर से लेफ्ट चला गया और इसने 120 किलोमीटर ड्राइव किया, मीन्स यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 100 किलोमीटर है, तो मैं थोड़ा सा आगे जाऊँगा। ये आपको मेजर नहीं करना है बराबर, बट आपको गैस करना है कि कितना जाएगा। हाउ फार डू यू थिंक ही एक्चुअली ड्रो हिज कार फ्रॉम हिज इनिशियल पोजिशन, इनिशियल पोजिशन कहाँ थी, यहाँ पे। तो आपको बोलना है कि ये जब यहाँ पे पहुँचा तो ये कितना दूर है इनिशियल पोजिशन से। तो आपको पता है टोटल यहाँ से यहाँ तक आपको पता ही है क्या, यहाँ से यहाँ तक कितना है 120, तो यहाँ से यहाँ तक है मगर 100, मींस यहाँ से यहाँ कितना होगा 120 - 100 = 20, तो आपका आंसर आएगा 20 किलोमीटर, ओके। दूसरा क्वेश्चन आया है, अजय वॉक्स 24 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। अजय, मैंने बोला था स्टार्ट कहाँ से आप करोगे, इनिशियल पोजीशन से, यहाँ से। अजय मूव करता है किसकी ओर, 24 किलोमीटर ईस्ट की ओर। चलो ये चला गया 24 किलोमीटर ईस्ट की ओर, एंड टर्न्स टू राइट, राइट मैंने बोला क्लॉकवाइज जाएगा, एंड टेक्स अ ड्राइव ऑफ अनदर 10 किलोमीटर, राइट की ओर जाता है 10 किलोमीटर, तो ये पहुँचा फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे। ही देन टर्निंग टू हिज राइट ड्राइव्स टूवर्ड्स वेस्ट, फिर से ये कहाँ चला गया, अनदर 10 किलोमीटर राइट की ओर, मीन्स क्लॉक वाइज जाएगा 10 किलोमीटर और। आपको याद होना चाहिए मैंने बोला था यहाँ से यहाँ तक है 24, तो ये कितना ड्राइव करता है अभी, सिर्फ ये करता है ड्राइव 10 किलोमीटर्स, यहाँ से 10 किलोमीटर्स इसके बीच में से कम थोड़ा आएगा, मीन्स यहाँ तक, ये चलो मानता हूँ मैं 10 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ तक अगर मैं लेता बराबर तो ये 24 किलोमीटर्स आते। फिर एंड वॉक्स अनदर, अच्छा कहाँ पहुँचे हम, ही देन टर्न्स टू हिज लेफ्ट, लेफ्ट मीन्स ये जाएगा किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉक वाइज, और ये चला गया 8 किलोमीटर्स, मीन्स ये 8 किलोमीटर्स। आफ्टर दैट ही टर्न्स टू हिज राइट, राइट मीन्स क्लॉक वाइज, तो आप जाओगे इस ओर कितने 14 किलोमीटर्स, कितने 14 किलोमीटर, शाबाश। यहाँ से अगर मैं देखूँगा, यहाँ से यहाँ तक कितना है 24, यहाँ से यहाँ तक है 24, बट यहाँ से यहाँ तक है मेरा 10, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 14, तो यहाँ से यहाँ तक होगा 14, वही मैं बोल रहा हूँ। ये जब टर्न करेगा टू इट्स राइट एंड ट्रैवल्स 14 किलोमीटर्स, तो ये पहुँचेगा यहाँ पे। हाउ फार इज़ ही फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन, आपको बोलना है यहाँ से वो कितना दूर है, कहाँ से, इस पॉइंट से वो कितना दूर है, ठीक है, इनिशियल पॉइंट से, एंड इन विच डायरेक्शन, और किस डायरेक्शन में है। अगर आप देखोगे हमें डिस्टेंस निकालनी है फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, यहाँ से यहाँ तक, कैसे निकालेंगे, ये हुए 10 और ये हुए 8, मीन्स 18, चलो 18 हमें आया, और किस डायरेक्शन में है,
साउथ यहाँ नीचे की ओर क्या है, साउथ है, तो साउथ 18 किलोमीटर साउथ। होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अगर किसी भी बच्चे को इन क्वेश्चंस के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो वो मुझे व्हाट्सएप कर सकता है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी तक हमने जो क्वेश्चंस देखे उनमें आपको डायमेंशंस भी देखे होते थे, मतलब ये ईस्ट की ओर 6 किलोमीटर गया, वेस्ट की ओर इतने किलोमीटर। बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं जो कि यूँ हैं, अहमद आबाद इज़ टू द साउथ वेस्ट ऑफ बेंगलोर। मैंने पहले ही बोला था और 4 डायरेक्शंस आपको याद रखनी है। साउथ वेस्ट कहाँ पे आता है, ये अहमद आबाद है टू द साउथ वेस्ट ऑफ बेंगलोर। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अहमद आबाद यहाँ है, ठीक, ए से मैं डिनोट करूँगा अहमद आबाद इज़ टू द साउथ वेस्ट ऑफ बेंगलोर। किसके, बेंगलोर मैंने बोला था इनिशियल पोजिशन से हम डायरेक्शंस लेते हैं, अगर बेंगलोर यहाँ पे है, अहमद आबाद है इसके साउथ वेस्ट में। चेन्नई इज़ टू द ईस्ट ऑफ अहमद आबाद, चेन्नई जो है वो है अहमद आबाद के ईस्ट में, चेन्नई जो है वो है अहमद आबाद के ईस्ट में, मींस इसके ईस्ट में, ठीक सी। एंड साउथ ईस्ट ऑफ बेंगलोर एंड दिल्ली, एंड साउथ ईस्ट ऑफ बेंगलोर एंड दिल्ली, ठीक है यहाँ तक। साउथ ईस्ट ऑफ बेंगलोर एंड दिल्ली मींस अहमद जो चेन्नई है ये ईस्ट में है, चेन्नई है ईस्ट में किसके, अहमदाबाद के, वो लिखा हमने। और एंड साउथ ईस्ट ऑफ बेंगलोर एंड दिल्ली, और एंड साउथ ईस्ट ऑफ बेंगलोर, साउथ ईस्ट ऑफ बेंगलोर मींस ये हुआ चेन्नई है साउथ ईस्ट ऑफ बेंगलोर, वो हमने लिखा पहले ही। ये क्यों यहाँ पे इसने बोला है बेंगलोर के रिलेटेड, ज़रूरी इसने इसकी डायरेक्शन बोली है, क्योंकि अहमद आबाद के ईस्ट में है चेन्नई। मैं यहाँ पे भी लिखता हूँ अहमद आबाद और चेन्नई, या चेन्नई आया ईस्ट में किसके, अहमदाबाद के, इसलिए इसने ज़रूरी बोला है। क्यों, अगर मैं बोलता तो ये बेंगलोर के किस में आता, साउथ में, इसीलिए इसने नेक्स्ट लाइन में बोला है कि चेन्नई जो है वो है साउथ ईस्ट में किसके, बेंगलोर के, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा, ठीक है। फिर एंड दिल्ली इज़ टू द नॉर्थ ऑफ चेन्नई, दिल्ली है किसके नॉर्थ में, चेन्नई के नॉर्थ में दिल्ली है, ठीक है। इन लाइन विद अहमद आबाद एंड बेंगलोर, और जो दिल्ली है वो है इन लाइन मतलब ये तीनों आएंगे किस पे, एक ही लाइन पे, अहमदाबाद बेंगलोर और दिल्ली जो है कि एक ही लाइन पे आएंगे, ठीक है। इन विच डायरेक्शन ऑफ बेंगलोर इज़ दिल्ली, ये इन लाइन क्यों लिखा है यहाँ पे इसने, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा था दिल्ली इज़ टू द नॉर्थ ऑफ चेन्नई, मैं यहाँ पे भी लिखता हूँ दिल्ली किसके नॉर्थ में है, चेन्नई के नॉर्थ में, तो ये किस डायरेक्शन में आता, बेंगलोर के साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। बट इसने नेक्स्ट लाइन में ये क्लियर किया है कि कहाँ पे दिल्ली कहाँ पे है, इसने बोला है कि दिल्ली जो है वो है इन लाइन ऑफ अहमदाबाद एंड बेंगलोर, इसलिए मैंने लिखा दिल्ली यहाँ पे। तो आपको क्या बोलना है, इन विच डायरेक्शन ऑफ बेंगलोर इज़ दिल्ली लोकेटेड, आपको बोलना है दिल्ली बेंगलोर के किस डायरेक्शन में लोकेटेड है। अगर मैं देखूँगा दिल्ली और बेंगलोर, अगर क्वेश्चन में बोला होता, ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग वहाँ पे पूछा जाता है, कभी आपको बोलेगा दिल्ली किस डायरेक्शन में है बेंगलोर के विद रेस्पेक्ट टू बेंगलोर, या बोलेगा कि बेंगलोर किस डायरेक्शन में है विद रेस्पेक्ट टू दिल्ली, इसमें ध्यान रखना। अभी बोल रहा है दिल्ली किस डायरेक्शन में है विद रेस्पेक्ट टू बेंगलोर, तो वो है नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट यहाँ पे है, तो ये आप टिक करो, ठीक है। और कभी कभार ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं जो हमने ये वाले क्वेश्चन किए, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे आंसर निकाला था 20 किलोमीटर, ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आता कि ये किस डायरेक्शन में है, तो आपको वो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता, एक ही क्वेश्चन से आपको 3 या 4 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चंस आते हैं तो आप ज़रूर और ज़रूर 3 जितने भी क्वेश्चंस इंशाल्लाह बैंक के एग्ज़ाम में या SSB के एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे तो आप आसानी से कर पाओगे, ठीक है। तो आज का जो लेक्चर था वो इतना ही है, आप हमारी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा
शेयर करें ताकि हम और बच्चों तक, दोस्तों तक पहुँच जाए। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो भी रीजनिंग पे ही होगा, नेक्स्ट टॉपिक लेंगे उसमें। और जो हमारे ये बैंक एग्ज़ाम्स हैं, आपको पता है रीजनिंग तो सबको आती है, एप्टीट्यूड तो सबको आता है, बट मेन जो होता है वहाँ पे टाइमिंग। टाइमिंग कैसे आप मैनेज करोगे इंशाल्लाह उसकी स्ट्रेटजी मैं बोलूँगा आपको विद ट्रिक्स। ट्रिक्स के बगैर बैंक का एग्ज़ाम सॉल्व नहीं हो पाता है। क्वेश्चन अगर आप करोगे भी, आपको एक घंटा मिलता है परहैप्स 75 क्वेश्चंस के, हाँ मींस, और सेक्शन वाइज रीजनिंग के अगर आपको फॉर एग्जांपल 15 मिनट्स हैं तो आपको ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इन्हीं 15 मिनट्स में करने हैं। जब आपको इंग्लिश का सेक्शन आएगा तब आप रीजनिंग का कोई क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको प्रॉपर स्ट्रेटजी होनी चाहिए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। इंशाल्लाह मैं आपको वो स्ट्रेटजीज और ट्रिक्स इन वीडियोज़ में बताने जा रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो तक अस्सलामु अलैकुम।